लक्ष्मी श्री सुत जी महाराज से शुनकादि ऋषि प्रयाग में पूछ रहे हैं, संतो हमने सुना है लक्ष्मी मैया को भी शिव जी की सेवा का फल विष्णु भगवान मिले, तो लक्ष्मी जी ने कब आराधना की? जैसे आप लोगों ने कल श्रवण किया होगा कि महाराज एक समय माँ लक्ष्मी जी भगवान से कह रही है कि प्रभु आपकी पूजा इसलिए होती है कि सबको लक्ष्मी चाहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा नहीं, 33 कोटि देवताओं को अपूर्ण है तो तू है। रोती हुई लक्ष्मी माता सरस्वती के पास गई, सरस्वती पार्वती मैया के पास लेके गई और पार्वती मैया ने लक्ष्मी जी की गोद में एक अपने गजानन अपने बालक गणेश को दे दिया और लक्ष्मी जी को पूर्ण कर दिया। और तब से लक्ष्मी जी का पूजन बड़ा भाव का है। और आचार्य कहते हैं लक्ष्मी जी तब से अपनी माँ ख्याति देवी के पास चले जाते और घर जाकर कहा माँ, जिसे आज के भौतिक भाषा में कहें तो कहा मैया वो मुझसे लड़ाई करते हैं। तो मैया ने कहा मत जाना। आप पिता से कहा पिताजी आपके जमाई साहब लड़ते हैं, मत जाना। भाई ने कहा मत जा। अब भौजाई ने सुना कि जीजी तो यही रहेगी। भौजाई ने भी कह दिया दीदी ठीक है यही रहो कोई बात नहीं। होता है ना घर में बहन बेटी आती है, पिता खुश कि चलो मेरी बेटी आ गई, भाई खुश कि चलो मेरी बहन आ गई, बच्चे खुश कि चलो हमारी भौजी आ गई। पर भौजाई को मुंडो भगोना जड़ो हो जाए आई की है। और महाराज सच्ची आज लक्ष्मी जी घर गई, एक दिन दो दिन 10 दिन रही और 10-12 दिन बाद भौजाई लड़ने लगी महाराज। लक्ष्मी जी को लगा कि विष्णु जी के बिना मेरा सम्मान नहीं है, अभिमान दूर हुआ कि विष्णु जी के बिना मैं अपूर्ण हूँ। नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा नारद जी आप विष्णु भगवान से कह दो कि मैं वैकुंठ जाना चाहते मुझे ले चले। नारद जी ने कहा मैया मैं भगवान से ऐसा नहीं कह सकता कि वो आपको यहाँ लेने हैं, समझौता नहीं हो सकता, मैं नहीं करवा सकता। कुबेर जी से कहा, नारद जी कुबेर जी के पास लेके गए लक्ष्मी जी को। कुबेर जी से कहा भैया आप हमारा कह दो ना विष्णु भगवान से, आप कुबेर भंडारी हो, आपकी बात तो विष्णु भगवान मानते हैं, कह दो विष्णु भगवान से कि हमें वैकुंठ लेके चले। कुबेर जी ने कहा मैया मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं उनसे आज्ञा नहीं कर सकता, मैं आपका समझौता नहीं करवा सकता। फिर कौन कराएगा? बोले ब्रह्मा जी की बात मान सकते हैं। कुबेर जी नारद जी लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी आप विष्णु भगवान से कह दो कि मुझे वैकुंठ में वास मिले। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं साहब, उनकी उनकी कृपा से प्रजापति बनाऊं मैं उनसे नहीं कह सकता। फिर शंकर जी की बात मानते हैं, शंकर जी के पास चलो। ब्रह्मा जी नारद जी कुबेर जी लक्ष्मी जी जब शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने सबको आते देखा, शंकर जी समझ गए मेरे पास आए हैं तो कोई ना कोई काम लेके आए हैं, क्योंकि बिना काम से तो मेरे पास कोई आता ही नहीं है। पूछा शंकर जी ने कई काम है, तो वो ब्रह्मा जी कहने प्रभु काम इतना सा है कि आप विष्णु जी से कह दो कि लक्ष्मी जी को क्षमा कर दें और उनका समझौता हो जाए। शंकर जी ने कहा ठीक है, अगर किसी का घर बस रहा है और हम उसमें अगर कारण बन रहे तो जरूर जरूर कहेंगे भगवान से, क्यों नहीं कहेंगे। अब उस समय शंकर भगवान अपने घर में महाराज माँ अम्बा जहाँ विराजमान थी वहां गए होंगे और कोई सामग्री लेने गए होंगे, और जब सामग्री लेने गए महाराज त्रिशूल या डमरू लेने गए होंगे घर में। अब पार्वती मैया घर में रसोई कर रही थी, भोजन बना रही थी। अब डमरू त्रिशूल उठाकर भगवान शंकर जब जाने लगे तो पूछा पार्वती जी ने कहाँ पधार रहे हो? शंकर जी ने कहा देवी वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में झगड़ा हो गया है तो मैं जा रहा हूं उनका समझौता करवाने। पार्वती जी ने कहा यहाँ गणेश ने कार्तिकेय दोनों लड़ते रहते हैं झगड़ते रहते हैं, वो दोनों आपस में बात नहीं करते, उनका तो कभी समझौता करवाया नहीं और वहां जा रहे हो समझौता करवाने, नहीं जाना मत जाओ। अब जैसे ही शंकर जी को मना किया पार्वती जी ने, माँ पार्वती के कहे शंकर भगवान ने डमरू और त्रिशूल वापस रख दिया। अब जैसे ही रखा, और सच्ची अगर गृहस्थ में सुखी रहना है ना तो कभी देवता कहे तो देवी जी को सुन लेना चाहिए और कभी देवी जी कहे तो देवता को सुन लेना चाहिए, क्यों मुकेश भैया? हर हर अगर गृहस्थ में सुखी रहना है सच्ची, और सबसे सुखी गृहस्थ किसी का है तो वो शिव पार्वती का है, सबसे सुखी है महाराज। इनमें लक्ष्मी नारायण में तो रोज झगड़ा होता रहता है, मैं हूं जहां मैं वहां झगड़ा, और जहां समर्पण वहां कभी झगड़ा नहीं होता।
मना किया, नहीं जाएंगे। शंकर भगवान बाहर आकर ब्रह्मा जी से कहने, देवता मैं चलता आपके साथ, आपका समझौता करवा देता, पर मुझे तो कोई काम आ गया है, जरूरी काम है। ऐसा करो, आप जाओ विष्णु भगवान के पास, मेरा नाम ले देना तो काम हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मी जी जब शंकर जी नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे, हमें भी काम है। नारद जी महाराज कुबेर जी भी चले जाते हैं। अब नारद जी के पास माँ लक्ष्मी पूछती है, कैसे शंकर प्रसन्न होंगे? तब महाराज नारद जी शंकर जी की भक्ति करने का उपदेश माता लक्ष्मी को देते हैं। और लक्ष्मी जी परम भक्त है शिव की, वो ध्यान देना। माँ लक्ष्मी पार्थिव पूजा करती, और पार्थिव पूजा करके भगवान शंकर जी पे जल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, दही चढ़ाती है, घृत घी चढ़ाती है, शहद चढ़ाती है, शक्कर बुरा चढ़ाती है, फिर शुद्ध अभिषेक करती है, फिर महाराज चंदन चावल पुष्प इत्यादि भगवान का श्रृंगार करती है। प्रतिदिन महाराज पार्थिव पूजा करने लगी। आचार्य कहते हैं कई दिन बीत जाते हैं पर शंकर जी लक्ष्मी जी पर प्रसन्न नहीं हुए। कौन कौन चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न हो जाए? सभी चाहते हैं, तो कोई नहीं चाहो? हर हर सब चाहे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए, फिर कहीं चाहिए। पर आज लक्ष्मी जी पर शंकर जी प्रसन्न नहीं हो रहे। तब लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हो गई, क्या करें? पूजा की सारी सामग्री चढ़ा दी फिर भी शंकर नहीं आए। उस समय माँ लक्ष्मी भाव में विमल होकर शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए अपने देह से, अपने स्वरूप से एक अंग काट कर भगवान शंकर को चढ़ाती है। और जैसे ही अपने स्वरूप से एक देह का महाराज अंग भगवान पर चढ़ाया, उसी समय शंकर भगवान महाराज भयंकर घबराकर स्वयं वैकुंठ जाकर नारायण को लेकर हाथ में, महाराज नारायण को साथ में लेकर जहां लक्ष्मी जी पूजा कर रही थी वहां प्रकट हुए, और लक्ष्मी जी के हाथ में नारायण का हाथ दे दिया। महाराज ये लो लक्ष्मी जी, तुम्हारा भगवान विष्णु जी।